फ्रेंड्स, दिस इज अनदर लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन विच वी विल डिस्कस अबाउट यूनिकनेस थ्योरम। दोस्तों, स्थिर विद्युतिकी का ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम अद्वितीयता प्रमेय के बारे में चर्चा करेंगे। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट यूनिकनेस थ्योरम, सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड द पोटेंशियल एट अ पॉइंट इनसाइड अ रेक्टेंगुलर बॉडी। तो आज के इस लेक्चर में हम अद्वितीयता प्रमेय क्या है, कार्तीय निर्देशांक पद्धति में लाप्लास समीकरण का हल क्या होगा तथा किसी आयताकार वस्तु में यदि कोई बिंदु स्थित हो तो उस बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, इन तीनों टॉपिक के बारे में यहां हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिकनेस थ्योरम। तो सबसे पहले अद्वितीयता प्रमेय। नाउ यूनिकनेस थ्योरम। अब यूनिकनेस थ्योरम क्या है या अद्वितीयता प्रमेय क्या है? दिस थ्योरम स्टेट्स दैट द लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइंग द गिवन बाउंड्री कंडीशंस हैज वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन। तो अद्वितीयता प्रमेय के अनुसार लाप्लास समीकरण जो दी गई सीमांत प्रतिबंधों को संतुष्ट करती है उसका एक और केवल एक हल संभव है, अर्थात अद्वितीय हल होता है। तो लाप्लास इक्वेशन हमने हमारे लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी एंड बाउंड्री कंडीशन भी वहां पर हमने डिस्कस की थी। तो लाप्लास समीकरण जो है जो दी गई सीमांत प्रतिबंधों को संतुष्ट करती है उस समीकरण का केवल एक ही हल संभव है या उसका हल अद्वितीय होता है। सो अकॉर्डिंग टू यूनिकनेस थ्योरम अ लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइंग द गिवन बाउंड्री कंडीशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब इसको हमको प्रूव करना है। सो प्रूफ, लाप्लास इक्वेशन इज डेल स्क्वायर फाइव क्वेश्चन टू जीरो। तो लाप्लास समीकरण हमारी है डेल स्क्वायर फाइव क्वेश्चन टू जीरो। हियर फाइव इज पोटेंशियल, सो हियर फाइव इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहां फाइव विद्युत विभव है। अब थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लेके चलते हैं। तो हम ऐसा मानते हैं कि इसका सॉल्यूशन यूनिक नहीं है, इसके दो सॉल्यूशन हैं। लेट फाइव वन एंड फाइव टू बी टू सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। इट मींस द सॉल्यूशन ऑफ गिवन लाप्लास इक्वेशन इज नॉट यूनिक। माना इस समीकरण के फाइव वन एवं फाइव टू दो हल हैं, अर्थात दी गई लाप्लास समीकरण का हल अद्वितीय नहीं है। बोथ सॉल्यूशंस आर लाइंग विद इन द बाउंड्री रीजन बट सेटिस्फाई द बाउंड्री कंडीशंस। ये दोनों हल सीमांत क्षेत्र में स्थित हैं परंतु सीमांत प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हैं। तो फाइव वन एंड फाइव टू जो लाप्लास इक्वेशन के दो सॉल्यूशन हैं वो हमारे बाउंड्री रीजन में एग्जिस्ट करते हैं एंड बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं।
एंड बाउंड्री कंडीशंस क्या है, एट बाउंड्री phi1 इक्वल टू phi2 एंड डेल phi1 बाई डेल n इज इक्वल टू डेल phi2 बाई डेल n। तो सीमा पर phi1 इक्वल टू phi2 होगा तथा डेल phi1 अपॉन डेल n इक्वल टू डेल phi2 बाई डेल n होगा। ये डेल phi बाई डेल n इज द डिफरेंशियल ऑफ phi इन नॉर्मल डायरेक्शन। तो डेल phi बाई डेल n का अर्थ है फाइ का अभिलंब दिशा में अवकलन। सो डेल फाइ बाई डेल एन रिप्रेजेंट्स द डिफरेंशियल ऑफ फाइ विथ रिस्पेक्ट टू एन। डेल फाइ बाई डेल एन फाइ का एन के सापेक्ष अवकलन दर्शाता है। लेट फाइ इक्वल टू फाइव वन माइनस फाइ टू। फाइव वन एंड फाइ टू आर टू डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लाप्लास इक्वेशन। तो लाप्लास समीकरण के दो हल फाइव वन तथा फाइव टू हैं तथा माना फाइ इक्वल टू फाइव वन माइनस फाइव टू। सो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा डेल फाइव बाई डेल एन इज इक्वल टू डेल फाइव वन बाई डेल एन माइनस डेल फाइव टू बाई डेल एन। Since Laplace equation is the linear equation, so if phi1 and phi2 are two solutions of the equation, then their linear combination alpha1 phi1 plus alpha2 phi2 will also be the solution of the same equation. क्योंकि Laplace समीकरण रेखीय समीकरण है इसलिए यदि phi1 एवं phi2 इस समीकरण के दो हल हो तो उनका रेखीय संयोजन alpha1 phi1 plus alpha2 phi2 भी उसी समीकरण का हल होगा। सो phi1 एंड phi2 इसके दो सॉल्यूशन हैं। तो अगर इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लें किसका phi1 एंड phi2 का, तो लीनियर कॉम्बिनेशन हमको क्या मिलता है alpha1 phi1 plus alpha2 phi2। Here alpha1 and alpha2 are two constants। यहां alpha1 तथा alpha2 दो नियतांक हैं। तो phi1 एंड phi2 का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है जो alpha1 phi1 plus alpha2 phi2 है ये भी इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा, इसी समीकरण का हल होगा। सिंस अल्फा वन एंड अल्फा टू आर टू कॉन्स्टेंट्स सो वी कंसिडर दैट अल्फा वन इक्वल टू वन एंड अल्फा टू इक्वल टू माइनस वन। क्योंकि अल्फा वन तथा अल्फा टू नियतांक है इसलिए यदि अल्फा वन बराबर वन तथा अल्फा टू इक्वल टू माइनस वन हो तो अल्फा वन फाइव वन प्लस अल्फा टू फाइव टू हो जाएगा फाइव वन माइनस फाइव टू। सो अल्फा वन फाइव वन प्लस अल्फा टू फाइव टू इज इक्वल टू फाइव वन माइनस फाइव टू। इसका मतलब लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइव वन माइनस फाइव टू भी होगा। सिंस फाइव वन माइनस फाइव टू इज द सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन। चूंकि phi1 माइनस phi2 लाप्लास समीकरण का हल है सो इट विल सेटिस्फाई डेल स्क्वायर phi इक्वल टू जीरो। इसलिए यह हल लाप्लास समीकरण डेल स्क्वायर phi इक्वल टू जीरो को संतुष्ट करेगा। तो यह लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इट मींस ये जो सॉल्यूशन है ये डेफिनेटली इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो phi1 माइनस phi2 हम phi की जगह यहां पर रख देते हैं। सो डेल स्क्वायर phi1 माइनस phi2 इज इक्वल टू जीरो। नाउ फ्रॉम ग्रीन्स थ्योरम, अब ग्रीन प्रमेय के अनुसार सरफेस इंटीग्रेशन
साई वन डेल साई टू बाई डेल एन डी एस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन साई वन डेल स्क्वायर साई टू प्लस डेल साई वन डेल साई टू डीवी। तो सरफेस इंटीग्रेशन को इस तरह से हम वॉल्यूम इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम। हियर साई वन एंड साई टू आर टू आर्बिट्ररी स्केलर फंक्शंस। यहां साई वन तथा साई टू कोई दो स्वच्छ अदिश फलन हैं। इफ साई वन इक्वल टू साई टू इक्वल टू फाइव, तो यदि साई वन इक्वल टू साई टू इक्वल टू फाइव हो तो इस इक्वेशन में हम साई वन एंड साई टू की जगह फाइव रख देते हैं तो वो क्या होगा? सरफेस इंटीग्रेशन फाइव डेल फाइव बाई डेल एन डी एस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन फाइव डेल स्क्वायर फाइव प्लस डेल फाइव डीवी। नाउ डेल फाइव इंटू डेल फाइव इज मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाइव स्क्वायर, सो दिस विल बी वॉल्यूम इंटीग्रेशन फाइव डेल स्क्वायर फाइव प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाइव होल स्क्वायर डीवी। नाउ एट बाउंड्री फाइव इक्वल टू जीरो, क्योंकि बाउंड्री पे हमने कहा है कि फाइव वन इक्वल टू फाइव टू एंड फाइव वन इक्वल टू फाइव टू है, इट मीन्स फाइव वन माइनस फाइव टू इक्वल टू जीरो। सो एट बाउंड्री फाइव इक्वल टू जीरो एंड डेल फाइव बाई डेल एन इक्वल टू जीरो, ऑल्सो डेल स्क्वायर फाइव इक्वल टू जीरो। सो यहां पर डेल स्क्वायर फाइव को जीरो कर दो, सो यहां पर डेल स्क्वायर फाइव को हम जीरो कर देते हैं। फाइव जीरो है, डेल फाइव बाई डेल एन भी जीरो है, इट मीन्स यहां से हमको क्या मिलेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाइव स्क्वायर इक्वल टू जीरो। नाउ इसका रूट ले लेते हैं तो ये क्या जाएगा? डेल फाइव इक्वल टू जीरो। सो फाइव की वैल्यू निकालनी है, इट मीन्स इस काम को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो फाइव इक्वल टू सी वेट सी इज एनी कॉन्स्टेंट, तो यहां पर सी कोई भी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। बट फाइव इक्वल टू फाइव वन माइनस फाइव टू, सो फाइव इक्वल टू फाइव वन माइनस फाइव टू इक्वल टू सी एट द बाउंड्री ऑफ द क्लोज्ड फील्ड सी इक्वल टू जीरो। बंद क्षेत्र की सीमा पर सी इक्वल टू जीरो होगा, तो सी को जीरो कर लो, इट मीन्स फाइव इक्वल टू जीरो एंड फाइव इक्वल टू जीरो इट मीन्स फाइव वन इक्वल टू फाइव टू। सो फाइव वन इक्वल टू फाइव टू, सो फाइव वन एंड फाइव टू हमने टू डिफरेंट सॉल्यूशन कंसिडर किए थे जो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते थे, या फाइव वन एंड फाइव टू हमने लाप्लास इक्वेशन के दो डिफरेंट सॉल्यूशंस माने थे, और यहां पर हमने प्रूव किया है कि फाइव वन इक्वल टू फाइव टू है। इट मीन्स ये जो डिफरेंट सॉल्यूशन है एक्चुअल में डिफरेंट नहीं है, वो एक ही सॉल्यूशन है। इट मीन्स द सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइंग द गिवन बाउंड्री कंडीशन इज यूनिक। अतः दिए गए सीमांत प्रतिबंधों को संतुष्ट करने वाली लाप्लास समीकरण के हल अद्वितीय होंगे। सो दिस इज यूनिक सॉल्यूशन, यह हल एक एक ही है या अद्वितीय है। इट मीन्स द लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइंग द गिवन बाउंड्री कंडीशंस हैज वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन। इस प्रकार लाप्लास समीकरण जो दिए गए सीमांत प्रतिबंधों को संतुष्ट करती है कि एक एवं एक ही हल संभव है, अर्थात इस समीकरण का हल अद्वितीय होता है। नाउ सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन
इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्तीय निर्देशांक पद्धति में लाप्लास समीकरण का हल। अब लाप्लास इक्वेशन हमने हमारे लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी और वहां पर हमने इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में एंड सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट में इक्वेशन लिखा था। तो कार्तीय निर्देशांक पद्धति में, गोलीय ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति में तथा बेलनाकार ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति में हमने लाप्लास समीकरण को हमारे लास्ट लेक्चर में लिखा था। सो सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्तीय निर्देशांक पद्धति में लाप्लास समीकरण का हल। द कोऑर्डिनेट x, y, z आर नोन एज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। निर्देशांक x, y, z कार्तीय निर्देशांक कहलाते हैं। एंड लाप्लास इक्वेशन इज डेल स्क्वायर फाइ इक्वल टू जीरो। अब अगर इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखें तो वो क्या होगी? सिंस डेल स्क्वायर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज डेल्टा टू बाई डेल्टा एक्स टू प्लस डेल्टा टू बाई डेल्टा वाई टू प्लस डेल्टा टू बाई डेल्टा जेड टू। सो डेल स्क्वायर हमारा ये होता है। सो ये इक्वेशन हमारी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज हो जाएगी तो वो क्या होगी? डेल्टा टू फाइव बाई डेल्टा एक्स टू प्लस डेल्टा टू फाइव बाई डेल्टा वाई टू प्लस डेल्टा टू फाइव बाई डेल्टा जेड टू इज इक्वल टू जीरो। सो दिस इज लाप्लास इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यह हमारी कार्तीय निर्देशांक पद्धति में लाप्लास समीकरण है। हियर फाइ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड इट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यह फाइ एक्स वाई तथा जेड का फलन है। टू सॉल्व एबो इक्वेशन वी यूज द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो इस समीकरण को हल करने के लिए हम चरों के पृथक्करण की विधि का प्रयोग करते हैं। द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड क्या है या चरों के पृथक्करण की विधि क्या है? क्योंकि फाई हमारा एक्स वाई जेड का फंक्शन है तो हमको इस टाइप से इसको सेपरेट करना है कि ऐसा कोई फंक्शन हमको मिले जो केवल एक्स पर डिपेंड करे, इसी टाइप से ऐसा कोई फंक्शन मिले जो वाई पर डिपेंड करे एंड ऐसा कोई फंक्शन हो जो केवल जेड पर डिपेंड करे। सो फाई इक्वल टू फाई एक्स वाई जेड है। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हम मान लेते हैं फाई इक्वल टू एक्स वाई एंड जेड। हियर कैपिटल एक्स इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स, कैपिटल वाई इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल वाई एंड कैपिटल जेड इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल जेड। तो माना फाई इक्वल टू कैपिटल एक्स कैपिटल वाई इंटू कैपिटल जेड है और ये जो एक्स है ये स्मॉल एक्स का फंक्शन है, ये वाई स्मॉल वाई का फंक्शन है और ये जेड स्मॉल जेड का फंक्शन है। तो हम कैपिटल एक्स कैपिटल वाई एंड कैपिटल जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं। देन इन तीनों वैल्यू को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको फाई की वैल्यू मिल जाएगी जो कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगी। नाउ डेल फाई बाई डेल एक्स। सो इस इक्वेशन का अगर एक्स के रेस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफरेंशियल करें तो वो क्या आएगा? वाई हमारे लिए कॉन्स्टेंट, जेड कॉन्स्टेंट, केवल कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स का फंक्शन है। सो डेल फाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू वाई जेड डी कैपिटल एक्स अपॉन डी स्मॉल एक्स, क्योंकि कैपिटल एक्स ओनली स्मॉल एक्स का फंक्शन है। सो डेल फाई बाई डेल एक्स की वैल्यू आ गई है। अब अगर इसी का सेकंड डिफरेंशियल करें विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो वो क्या हो जाएगा? डेल टू फाई बाई डेल एक्स टू इक्वल टू वाई जेड डी टू कैपिटल एक्स अपॉन डी एक्स टू। सो दिस इज द सेकंड डिफरेंशियल ऑफ फाई। सिमिलरली डेल टू फाई बाई डेल वाई टू इज इक्वल टू एक्स जेड डी टू वाई बाई डी वाई टू, क्योंकि यहां पर कैपिटल वाई ओनली स्मॉल वाई का फंक्शन है इसलिए डिफरेंशियल आपको ये मिलेगा। एंड
डेल टू फाई बाई डेल जेड टू इक्वल टू एक्स वाई डी टू जेड बाई डी जेड टू। सो डेल टू फाई बाई डेल एक्स टू की वैल्यू ये आ गई, डेल टू फाई बाई डेल वाई टू की वैल्यू ये आ गई एंड डेल टू फाई बाई डेल जेड टू की वैल्यू ये आ गई है। नाउ लाप्लास इक्वेशन ये थी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डेल टू फाई बाई डेल एक्स टू हमने ये निकाला है, डेल टू फाई बाई डेल वाई टू ये आया था एंड डेल टू फाई बाई डेल जेड टू हमको ये मिला है। सो ये वैल्यूज अगर हम इस इक्वेशन में रखें तो क्या हो जाएगा, वाई जेड डी टू एक्स अपॉन डी एक्स टू प्लस एक्स जेड डी टू वाई बाई डी वाई टू प्लस एक्स वाई डी टू जेड बाई डी जेड टू इज इक्वल टू जीरो। नाउ डिवाइड दिस इक्वेशन बाय कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड, तो इस समीकरण को कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड से भाग देने पर, सो अगर एक्स वाई जेड से डिवाइड करोगे तो यहां पर एक्स नहीं है इसलिए वन बाई एक्स आ जाएगा, यहां पर वाई नहीं है इसलिए वन बाई वाई आ जाएगा और यहां पर जेड नहीं है सो वन बाई जेड आ जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारी चेंज हो जाएगी, वन अपॉन एक्स डी टू एक्स बाई डी एक्स टू प्लस वन बाई वाई डी टू वाई बाई डी वाई टू प्लस वन बाई जेड डी टू जेड बाई डी जेड टू इज इक्वल टू जीरो। नाउ फॉर एबो इक्वेशन टू बी वैलिड ईच टर्म ऑफ लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी सेपरेटली इक्वल टू अ कॉन्स्टेंट, उपरोक्त समीकरण केवल तभी वैलिड होगी जब इस समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड का प्रत्येक पद पृथक रूप से एक नियतांक के बराबर हो। तो इस इक्वेशन के वैलिड होने के लिए इसके लेफ्ट हैंड साइड के जो टर्म हैं, एक टर्म हमारा ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, ये तीनों टर्म सेपरेटली किसी कांस्टेंट के इक्वल हो, पृथक रूप से किसी नियतांक के बराबर हो। सो लेट वन अपॉन एक्स डी टू एक्स अपॉन डी एक्स टू इक्वल टू के वन स्क्वायर, वन अपॉन वाई डी टू वाई बाई डी वाई टू इक्वल टू के टू स्क्वायर, ऑल्सो वन अपॉन जेड डी टू जेड बाई डी जेड टू इज इक्वल टू के थ्री स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन हमारी क्या बन जाएगी, डी टू एक्स अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू के वन स्क्वायर कैपिटल एक्स, ये आ गया। अब अगर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालें तो वो सॉल्यूशन क्या आएगा, एक्स इक्वल टू ए वन ई रेस टू के वन एक्स प्लस ए टू ई रेस टू माइनस के वन एक्स। सो दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, क्योंकि ये इक्वेशन हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है और डिफरेंशियल इक्वेशन को या अवकलन समीकरण को यदि हम हल करें तो इस समीकरण का हल हमें यह प्राप्त होगा। सिमिलरली द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन विल बी y इक्वल टू बी वन ई रेस टू के टू वाई प्लस बी टू ई रेस टू माइनस के टू वाई एंड इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा कैपिटल जेड इक्वल टू सी वन ई रेस टू के थ्री जेड प्लस सी टू ई रेस टू माइनस के थ्री जेड। तो x y एंड z ये वैल्यूज हमको मिल गई है एंड लाप्लास इक्वेशन जो हमारी ये थी इसका सॉल्यूशन हमने phi इक्वल टू कैपिटल x कैपिटल y कैपिटल z माना था। सो अब इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ऑल्सो k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर प्लस k3 स्क्वायर इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये हमारा k1 स्क्वायर है ये k2 स्क्वायर है और ये k3 स्क्वायर है। तो कंडीशन हमारी क्या होगी, k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर प्लस k3 स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो इन इक्वेशन में जो k1 k2 एंड k3 की वैल्यू होगी वो इस टाइप से होगी कि वो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे संतुष्ट करे। नाउ लाप्लास इक्वेशन हमारे पास में ये थी, इसका सॉल्यूशन हमने माना था फाई इक्वल टू कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड एंड कैपिटल एक्स हमको ये मिला है कैपिटल वाई ये आया है एंड कैपिटल जेड ये आया है। सो अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो इस इक्वेशन का हमको सॉल्यूशन मिल जाएगा और वो क्या होगा, फाई इक्वल टू सिग्मा p1
पी क्यू आर इक्वल टू वन टू इन्फिनिटिव ए वन पी ई रेस टू के वन पी एक्स प्लस ए टू पी ई रेस टू माइनस के वन पी एक्स इंटू बी वन क्यू ई रेस टू के टू क्यू वाई प्लस बी टू क्यू ई रेस टू माइनस के टू क्यू वाई इंटू सी वन आर ई रेस टू के थ्री आर जेड प्लस सी टू आर ई रेस टू माइनस के थ्री आर जेड. सो दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. तो लाप्लास इक्वेशन जो हमारी ये है जिसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर हमने इक्वेशन लिखा था, तो उसका सॉल्यूशन हमको ये मिल जाएगा. वी चूज द कॉन्स्टेंट्स के वन पी के टू क्यू एंड के थ्री आर सच दैट दे मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन. हम नियतांक के वन पी के टू क्यू तथा के थ्री आर को इस प्रकार चुनते हैं कि वे समीकरण के वन स्क्वायर प्लस के टू स्क्वायर प्लस के थ्री स्क्वायर इक्वल टू जीरो को संतुष्ट करते हैं. तो ये जो आप कॉन्स्टेंट लोगे वो इस तरह से होंगे कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए. नाउ आज का लास्ट टॉपिक हमारा है पोटेंशियल एट अ पॉइंट इनसाइड रेक्टेंगुलर बॉडी. एक आयताकार वस्तु के भीतर स्थित किसी बिंदु पर विभव. सो पोटेंशियल एट अ पॉइंट इनसाइड अ रेक्टेंगुलर बॉडी. सो आयताकार वस्तु के भीतर स्थित एक बिंदु पर विभव. हियर वी हैव अ रेक्टेंगुलर बॉडी. तो यहां पर हमने एक आयताकार वस्तु ली है. तो ये जो रेक्टेंगुलर बॉडी है या ये जो आयताकार वस्तु है, अगर इसकी साइड ले या भुजा ले, सो एक्स साइड में ये ए तक, वाई साइड में बी तक एंड जेड साइड में हमारा सी तक ये एक्सटेंड है, फैला हुआ है. और इसके अंदर कोई पॉइंट है जहां पर पोटेंशियल फाई है जिसकी वैल्यू हमको निकालनी है. सो बाउंड्री कंडीशन क्या होगी? एक्स इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू ए, और यहां पर y इक्वल टू जीरो y इक्वल टू बी एंड z इक्वल टू जीरो z इक्वल टू सी. तो ये इसकी साइड है या एंड पॉइंट्स हैं. सो कंसिडर अ रेक्टेंगुलर बॉक्स हैविंग साइड्स ए बी एंड सी ऑन द x y एंड z एक्सिस रेस्पेक्टिवली. माना एक आयताकार बक्सा चित्रानुसार है जिसकी x y तथा जेड दिशाओं के अनुदिश भुजाएं क्रमशः ए बी तथा सी हैं. इफ फाई एक्स वाई जेड बी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड दिस रेक्टेंगुलर बॉक्स हैविंग कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड देन इट्स वैल्यू इज गिवन बाय. यदि इस आयताकार बक्से के भीतर स्थित किसी बिंदु जिसके निर्देशांक x, y, z हैं पर विभव का मान phi x, y, z हो, तो यह निम्न समीकरण द्वारा दिया जाएगा. 1 upon x d2x upon dx2 equal to k1 square, जो हमने हमारे लास्ट आर्टिकल में निकाला था. 1 upon y d2y by dy2 equal to k2 square. 1 upon z डी टू जेड बाई डी जेड टू इक्वल टू के थ्री स्क्वायर. सो ये सॉल्यूशन हमने या ये इक्वेशन हमने हमारे लास्ट आर्टिकल में निकाली थी, और यहां से हमने कैपिटल एक्स कैपिटल वाई एंड कैपिटल जेड की वैल्यू निकाली थी, और तीनों को मल्टीप्लाई करने पर हमको लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन मिला था. वेयर के वन के टू एंड के थ्री सेटिस्फाई के वन स्क्वायर प्लस के टू स्क्वायर प्लस के थ्री स्क्वायर इक्वल टू जीरो. जहां के वन के टू तथा के थ्री इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं, तो यहां पर जो हम के वन के टू एंड के थ्री को चूज करेंगे वो इस तरह से होंगे कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए, इस समीकरण को संतुष्ट करने चाहिए. नाउ बाउंड्री कंडीशन. तो बाउंड्री कंडीशन क्या होगी? एट एक्स इक्वल टू जीरो
कैपिटल एक्स इक्वल टू जीरो, एट एक्स इक्वल टू ए कैपिटल एक्स इक्वल टू जीरो. सो एट एक्स इक्वल टू जीरो एंड एट एक्स इक्वल टू ए फाइ इक्वल टू जीरो एंड फाइ क्या था, कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल वाई इंटू कैपिटल जेड. इसका मतलब इन पॉइंट पर हमारा कैपिटल एक्स जीरो होगा. नाउ रेक्टेंगुलर बॉक्स हमारा ये था. सो बाउंड्री कंडीशन हमारे पास में क्या आएगी, एट एक्स इक्वल टू जीरो एंड एट एक्स इक्वल टू ए फाइव इक्वल टू जीरो, एट वाई इक्वल टू जीरो एंड एट वाई इक्वल टू बी फाइव इक्वल टू जीरो, एंड दिस कंडीशन विल सेटिस्फाई ओनली वेन कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई इज साइनसॉइडल और ऑसिलेटरी, तथा यह समीकरण या ये शर्त केवल उसी परिस्थिति में संतुष्ट होंगी जब कैपिटल एक्स तथा कैपिटल वाई ज्या वक्रीय हो या दोलनीय हो. तो ये अगर वैल्यूज हमारी ऑसिलेटरी होगी या साइनसॉइडल होगी तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी. फॉर इट के वन एंड के टू मस्ट बी इमेजिनरी. तो साइनसॉइडल या ऑसिलेटरी सॉल्यूशन के लिए K1 एंड K2 की वैल्यू हमारी डेफिनेटली इमेजिनरी होनी चाहिए, काल्पनिक होनी चाहिए. सो K1 एंड K2 को हम इमेजिनरी ले रहे हैं. सो लेट K1 स्क्वायर इक्वल टू माइनस एल्फा स्क्वायर एंड K2 स्क्वायर इक्वल टू माइनस बीटा स्क्वायर. तो माना K1 स्क्वायर इक्वल टू माइनस एल्फा स्क्वायर है तथा K2 स्क्वायर इक्वल टू माइनस बीटा स्क्वायर है. And 1 upon x d2x upon dx2 equal to k1 square था and k1 square की जगह हम minus alpha square लिख देते हैं. So ये हो गया minus alpha square. और यहां से हमको क्या मिल जाएगा, d2x upon dx2 equal to minus alpha square capital X और d2x upon dx2 plus alpha square x equal to 0. और अगर इस equation का हम सॉल्यूशन निकालें तो क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है, ये समीकरण सरल आवर्त गति की समीकरण है, इसलिए इसका जो सॉल्यूशन होगा वो साइनसॉइडल या ऑसिलेटरी होगा. इसलिए इस समीकरण का हल ज्यावक्रीय या दोलनीय होगा. तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा एक्स इक्वल टू ए साइन एल्फा एक्स. सिमिलरली नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास में थी 1 बाई वाई डी टू वाई बाई डी वाई टू इक्वल टू के टू स्क्वायर एंड के टू स्क्वायर हमारे पास में माइनस बीटा स्क्वायर है. तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, डी टू वाई बाई डी वाई टू प्लस बीटा स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो. तो जैसे ये इक्वेशन आई थी सेम टू सेम हमको ये मिल गई है. तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारा ये था. इट मीन्स इसका सॉल्यूशन क्या जाएगा, y इक्वल टू बी साइन बीटा वाई. हियर a एंड b आर कॉन्स्टेंट. तो यहां पर a एंड b हमारे नियतांक है, कॉन्स्टेंट है. नाउ कैपिटल x हमको ये मिला है, कैपिटल y हमारे पास में ये आया है एट द बाउंड्री. कैपिटल x एट x इक्वल टू जीरो इज जीरो एंड कैपिटल एक्स एट एक्स इक्वल टू ए इज जीरो. तो अगर यहां पर हम एक्स की जगह जीरो रखें तो कैपिटल एक्स हमारा जीरो होगा एंड स्मॉल एक्स की जगह अगर हम ए लिखें तो कैपिटल एक्स हमारा जीरो होगा. सो ये कंडीशन अगर रखते हो तो जीरो इक्वल टू जीरो आ जाएगा. अब हम ये कंडीशन रखते हैं तो एक्स की जगह हम ए रखते हैं और कैपिटल एक्स को हम जीरो करते हैं. सो ये क्या हो जाएगा, ए साइन एल्फा ए इक्वल टू जीरो. और यहां से हमको क्या मिलेगा, साइन एल्फा इक्वल टू जीरो. एंड साइन के टेबल में जीरो कब आता है, एट एन पाई या एम पाई. सो एल्फा ए इक्वल टू एम पाई. हियर एम इक्वल टू जीरो वन टू थ्री एंड सो ऑन. तो एम का मान जीरो एक दो तीन कुछ भी हो सकता है. सो एल्फा ए इक्वल टू एम पाई. और यहां से हमको एल्फा की वैल्यू मिल जाएगी एम पाई बाई ए. एल्फा इक्वल टू एम पाई बाई ए. हियर एम इक्वल टू
वन टू थ्री एंड सो वन। सिमिलरली ये इक्वेशन है, इसके लिए अगर बाउंड्री कंडीशन लें तो वो क्या आएगी, एट द बाउंड्री, सीमा पर, वाई एट वाई इक्वल टू जीरो इज जीरो एंड कैपिटल वाई एट वाई इक्वल टू बी इज जीरो। तो अगर वाई की जगह हम जीरो रखें तो जीरो इक्वल टू जीरो आ जाएगा, सो वाई की जगह हम बी रखते हैं, सो ये हमारा जीरो हो गया और ये हमारा बी, सो बी साइन बीटा बी इक्वल टू जीरो, सो बी साइन बीटा बी इक्वल टू जीरो। और यहां से हमको क्या मिलेगा, साइन बीटा बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि बी को नीचे ट्रांसफर कर दो तो जीरो अपन कैपिटल बी हमारा जीरो, सो साइन बीटा बी इक्वल टू जीरो। और यहां से बीटा बी की वैल्यू हमको मिल जाएगी एन पाई, जैसे यहां से हमको अल्फा ए की वैल्यू मिली थी इसी तरह से यहां से बीटा बी की वैल्यू आ गई एन पाई, और यहां से बीटा की वैल्यू निकालो सो एन पाई बाई बी, सो बीटा इक्वल टू एन पाई बाई बी, हियर एन इक्वल टू वन टू थ्री एंड सो ऑन, सो एन इक्वल टू वन टू थ्री एंड सो ऑन। सो अल्फा की जगह हम यहां पर एम पाई बाई ए रख देते हैं, सो कैपिटल एक्स हो गया हमारा ए साइन एम पाई अपॉन ए एक्स, एंड यहां पर बीटा की जगह आप एन पाई बाई बी रखो तो कैपिटल वाई की वैल्यू हमको मिलेगी बी साइन एन पाई बाई बी इंटू वाई, सो दिस विल बी कैपिटल एक्स एंड दिस विल बी कैपिटल वाई, तो कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई की वैल्यू हमको यहां पर मिल गई है। नाउ के वन स्क्वायर प्लस के टू स्क्वायर प्लस के थ्री स्क्वायर इक्वल टू जीरो है, और हमने कहा है कि के वन एंड के टू हमारे इमेजनरी हैं, सो के वन एंड के टू अगर इमेजनरी है और ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई होनी है तो के थ्री डेफिनेटली रियल होगा, सो निश्चित रूप से के थ्री वास्तविक होगा, सिंस के वन एंड के टू आर इमेजनरी, चूंकि के वन तथा के टू काल्पनिक है सो के थ्री मस्ट बी रियल, इसलिए के थ्री का मान वास्तविक होना चाहिए। सो इक्वेशन हमारे पास में थी वन अपॉन जेड डी टू जेड अपॉन डी जेड टू इक्वल टू के थ्री स्क्वायर, सो ये हो जाएगा डी टू जेड अपॉन डी जेड टू इक्वल टू के थ्री स्क्वायर जेड। सो अगर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन लें तो सॉल्यूशन हमको क्या मिलेगा, जेड इक्वल टू सी वन इरेस टू के थ्री जेड प्लस सी टू इरेस टू माइनस के थ्री जेड, सो ये हमारे जेड की वैल्यू आ जाएगी। नाउ बाउंड्री कंडीशन हमारे पास में है एट जेड इक्वल टू जीरो कैपिटल जेड इज जीरो एंड एट जेड इक्वल टू सी कैपिटल जेड इक्वल टू जीरो, तो ये कंडीशन हम यहां पर लगाते हैं, तो स्मॉल जेड की जगह जीरो लिखो एंड कैपिटल जेड भी हमारा जीरो हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा सी वन इरेस टू जीरो प्लस सी टू इरेस टू जीरो इक्वल टू जीरो, और या फिर ये हो जाएगा सी वन प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, क्योंकि e की पावर जीरो की वैल्यू वन होती है, सो c1 वन प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, और यहां से हमको मिलेगा c2 टू इक्वल टू माइनस सी वन, तो c2 की जगह आप माइनस सी वन रखो सो z इक्वल टू सी वन इरेस टू के थ्री जेड माइनस सी वन इरेस टू माइनस के थ्री जेड, सो ये आ गया। अब यहां पर हम c1 कॉमन ले लें सो कैपिटल z हो जाएगा c1 वन इंटू एक्सपोनेंशियल के थ्री जेड माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस के थ्री जेड, और ये क्या होता है ट्वाइस साइन हाइपरबोलिक के थ्री जेड, सो कैपिटल जेड इक्वल टू टू सी वन साइन हाइपरबोलिक के थ्री जेड, क्योंकि इरेज टू एक्स माइनस इरेज टू माइनस एक्स होता है ट्वाइस साइन हाइपरबोलिक एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा टू साइन हाइपरबोलिक के थ्री जेड। अब C1 कांस्टेंट टू कांस्टेंट, सो ट्वाइस C1 को हम कैपिटल C लिख देते हैं, सो कैपिटल Z इक्वल टू C साइन हाइपरबोलिक K3 Z। अब यहां पर हमको K3 की वैल्यू निकालनी है और हमारे पास में कंडीशन क्या है, K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर प्लस K3 स्क्वायर इक्वल टू जीरो, एंड K1 स्क्वायर क्या था माइनस अल्फा स्क्वायर,
के टू स्क्वायर इक्वल टू माइनस बीटा स्क्वायर, तो के वन स्क्वायर की जगह माइनस अल्फा स्क्वायर, के टू स्क्वायर की जगह माइनस बीटा स्क्वायर रखो, सो के थ्री स्क्वायर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इट मीन्स के थ्री हो जाएगा रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सो के थ्री इक्वल टू रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। नाउ के थ्री हमारा ये आया है, अल्फा हमने निकाला था एम पाई बाई ए, बीटा निकाला था एन पाई बाई बी, सो अल्फा एंड बीटा की ये वैल्यूज हम यहां पर रखें तो के थ्री क्या होगा रूट ऑफ एम पाई बाई ए होल स्क्वायर प्लस एन पाई बाई बी होल स्क्वायर। अब यहां से पाई स्क्वायर हमारा कॉमन आ जाएगा और पाई स्क्वायर को हम रूट से बाहर निकाल दें तो पाई बन जाएगा, सो के थ्री की वैल्यू क्या आ जाएगी पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। सो ये हमारे के थ्री की वैल्यू आ गई है। नाउ जेड हमने ये निकाला था, सो के थ्री की जगह अगर हम ये रखें तो कैपिटल जेड हमको क्या मिलेगा सी साइन हाइपरबोलिक पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इंटू जेड। सो ये हमारे कैपिटल जेड की वैल्यू आ गई है। अब कैपिटल एक्स ये था, कैपिटल वाई ये था एंड कैपिटल जेड हमने ये निकाला है एंड जो पोटेंशियल है रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर उसकी वैल्यू फाई इक्वल टू कैपिटल एक्स कैपिटल वाई इंटू कैपिटल जेड है। तो कैपिटल एक्स हमारे पास में है, कैपिटल वाई भी है एंड कैपिटल जेड भी है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो हमको फाई की वैल्यू मिल जाएगी। सो फाई इक्वल टू कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड, सो ये वैल्यू यहां पर रखो, सो फाई इक्वल टू सिग्मा एम एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ए एम साइन एम पाई एक्स अपॉन ए बी एन साइन एन पाई वाई बाई बी सी साइन हाइपरबोलिक पाई रूट ऑफ एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर जेड। नाउ ए एम बी एन एंड सी इसको मिलाकर ए एम एन कर देते हैं, सो जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा फाई इक्वल टू सिग्मा एम एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ए एम एन साइन एम पाई एक्स अपॉन ए साइन एन पाई वाई अपॉन बी साइन हाइपरबोलिक पाई रूट ऑफ एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर जेड एंड हियर ए एम एन इक्वल टू ए एम बी एन सी। तो ए एम एन का मतलब यहां पर ये है, तो ये हमारे सॉल्यूशन होगा अगर कोई पॉइंट रेक्टेंगुलर बॉडी के अंदर हो तो उसके किसी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू हमारी ये होगी। सो हियर वी एंड आवर सेशन, इन दिस सेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट पोटेंशियल एट अ पॉइंट इनसाइड अ रेक्टेंगुलर बॉडी, यूनिकनेस थ्योरम एंड द सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो गुड बाय।